गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक लास्ट वीडियोस आपने देख ली होंगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है। आप देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है लिमिटेशन और ऑब्जेक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कल हमने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ कमियाँ हैं जिसको ओवरकम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग उन कमियों को दूर करता है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ कमियाँ हैं, है ना। तो देखो क्या कमियाँ हैं, क्या ऑब्जेक्शन है अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहली कमी इसके अंदर है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कुछ पर्सन का ये मानना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उनको दोबारा रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है, तो ये डुप्लीकेसी हो जाती है और उनको लगता है कि ये वेस्टेज है, है ना, एनर्जी, टाइम और मनी तीनों का ही। तो वो कहते हैं इट इज़ अननेसेसरी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो बहुत सारी एंटरप्राइजेज हैं जो कि ये मानती हैं कि पोस्टिंग सिस्टम अलग से जो है इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मतलब इसके फेवर में अगर हम जाएं, इस कमी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, हम कह सकते हैं कि इन द इरा ऑफ कंपटीशन एंड ग्लोबलाइजेशन कॉस्ट, हर एक्टिविटी की कॉस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो ए बी सी डी, सपोज़ उसमें दो प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे रहे हैं और दो ऐसे हैं जो लॉस दे रहे हैं, उनको भी आप चलाए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि वो आपको लॉस दे रहे हैं। तो अगर उनको अलग अलग निकाला जाएगा तो फिर आपको जो है प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हैं, और उन प्रोडक्ट को जो इनएफिशिएंट हैं, जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड कर रहे, उनका प्रोडक्शन हम बंद कर सकते हैं। तो चाहे ये डुप्लीकेशन है लेकिन ये नेसेसरी है। सेकेंड ये कहता है इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत खर्चीला है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में एडिशनल कॉस्ट आती है, है ना। तो आप इसके बारे में कह सकते हो कि चाहे ये एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी अगर हम इसके बेनिफिट देखें तो ये इकोनॉमिकल हो जाता है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ा सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्शन क्या है, इट इज़ इनएप्लीकेबल टू मैनी इंडस्ट्री, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, तभी ये वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है, है ना। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, उनके लिए कंपलसरी है, उनके लिए मैंडेटरी है। तो ये जो ऑब्जेक्शन है इसको भी हम जो है वो दूर कर सकते हैं। इट इज़ अ फेलियर इन सम एंटरप्राइजेस, कुछ एंटरप्राइजेस ने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया लेकिन वो सक्सेस उनको नहीं मिली, है ना। तो हम कह सकते हैं कि फेलियर होने का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम ख़राब है, फेलियर होने का मतलब ये है कि उन्होंने सिस्टम को सही ढंग से इंस्टॉल नहीं किया या उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसको कॉपरेट नहीं किया। अब देखिए नेक्स्ट है द रिजल्ट शोन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम दोज शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोनों के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है कि वो प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन अगर हम कॉस्ट अकाउंट के डाटा देखें तो हो सकता है वो लॉस दे रहा हो, एंड वाइस वर्सा हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आपको शो कर रहा है कि प्रॉफिट दे रहा है, बट फाइनेंशियल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो वो ये शो करेगा कि ये लॉस दे रहा है। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं जिनको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर करते हैं, कॉस्ट में नहीं करते। सिमिलरली कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर भी होते हैं जिसको हम कॉस्ट में तो कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल में नहीं करते, है ना। तो इसी वजह से दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग शो करते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम अगर फॉलो किया जाए अकाउंटिंग का तो वो इस कमी को भी दूर कर सकता है। इंटीग्रेटेड क्या होता है कि दोनों को हम मिलाकर चलें, कॉस्ट और फाइनेंशियल को मिलाकर जो है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें और एंट्रीज जो है वो कॉस्ट और फाइनेंशियल की दोनों की मिलाकर करें, तो ये जो डिफरेंस है ये भी नहीं आएगा। तो ये कुछ कमियाँ थी, कुछ ऑब्जेक्शंस थी, लेकिन आज के टाइम पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करना सबके लिए मैंडेटरी हो गया है। मतलब लीगली मैंडेटरी नहीं है लेकिन जो एंटरप्राइजेस हैं उनको ये लगता है कि इनको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, कि अगर इंस्टॉल करना हो तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, है ना। जैसे आपको लगता है कि इंस्टॉल करना, कोई मशीन थोड़ी ना है कि इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन जो कॉस्टिंग सिस्टम है उसको भी मशीन की तरह ही इंस्टॉल करना पड़ता है। पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ता है, उनका काम करने का ढंग, उनकी कौन कौन सी बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं, है ना, और जो रजिस्टर प्रिपेयर किए जाते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं, तो वो सारा कुछ देखा जाता है तभी वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है, सबसे पहला देखो नेचर ऑफ बिज़नेस, कि आपका जो है बिज़नेस उसका नेचर क्या है, किस तरह की एक्टिविटी की जाती है, प्रोडक्शन है या ट्रेडिंग का काम है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है या ओनली ट्रेडिंग की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना कॉस्ट सिस्टम डिज़ाइन करते हैं।
सेकेंड इज़ ऑब्जेक्टिव कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या ऑब्जेक्ट है, जैसे आप सेलिंग प्राइस फिक्स करना वो मेन ऑब्जेक्ट है, या आप चाहते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल की जाए, वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का क्या ऑब्जेक्ट है वो ध्यान में रखा जाएगा, तभी जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो डिज़ाइन करेगा कि क्या करना है। उसके बाद देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर किस तरह का है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किस तरह से हुआ है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है या ऐसे ही चल जाएगा, तो विदाउट ऑल्टरिंग और विद ऑल्टरिंग वो भी देखना पड़ेगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग चल भी पाएगा या उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देखो टेक्निकल आस्पेक्ट, वो भी स्टडी किए जाएंगे है ना, बाय द डिज़ाइनर कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा ये देखा जाएगा कि जो टेक्निकल आस्पेक्ट हैं वो भी सेम चल जाएंगे या उसको भी चेंज करना पड़ेगा। या लेआउट आस्पेक्ट, कि साइज़ और लेआउट जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको भी स्टडी किया जाएगा। और इसी तरह से मैथड्स क्या हैं, मैथड ऑफ इशू ऑफ मटीरियल है ना, वो किस तरह का है, किस तरह से जो है वो स्टॉक को इशू किया जाता है, रिसीप्ट्स किस तरह से रखी जाती हैं, रिटर्न का क्या प्रोसीज़र है, ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीज़र है मटेरियल के लिए, उसको चेक किया जाएगा। और इसी तरह से मेथड ऑफ वेज पेमेंट, कि जो वेज पेमेंट है वो किस तरीके से की जा रही है, टाइम बेसिस पर की जा रही है या पीस रेट काम के अकॉर्डिंग किए जा रहा है, तो एग्जिस्टिंग क्या मतलब स्ट्रक्चर है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर्म, कि जो फॉर्म फिल कराए जाते हैं क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म है या वैसे ही कोई भी फॉर्म किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया जाता है, उसको चेक किया जाएगा है ना। तो बहुत सारे फॉर्म हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कॉस्टिंग सिस्टम के द्वारा, वो देखे जाएंगे। एंड एक्यूरेसी देखी जाएगी कि कितनी एक्यूरेसी मेंटेन की जाती है कंपनी के अंदर, मतलब जो जो प्रोडक्ट जितने का आया, जो मटेरियल जितने का आया उतने पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, या जो बिल है उसमें कुछ अमाउंट ऊपर नीचे कर दिया जाता है, तो कितने एक्यूरेट है फिगर। और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, वेरी सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड, कि जो सिस्टम है वो इतना इजी होना चाहिए कि कोई भी देखे तो उसको समझ में आ जाए। इकोनॉमिकल होना चाहिए, बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट है या जो डिज़ाइनर है वो आयो कहे कि एवरीथिंग शुड बी चेंज्ड, सब कुछ चेंज करो। अब सब कुछ चेंज करोगे तो इट्स वेरी कॉस्टली है ना, ये रजिस्टर मेंटेन होते हैं ये नहीं चलेंगे, ये अकाउंट्स इस तरह से मेंटेन किए जाते हैं ये नहीं चलेंगे, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। मतलब जो डिज़ाइनर है उसको ये देखना है कि जो ज़रूरत हो उसी को ही चेंज करे, बाकी एज इट इज़ चलाए। तो जो सिस्टम शुड बी इकोनॉमिकल टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजिड हो कि ये काम ऐसे करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इसी तरह से मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं, तो जनरली जैसे भी एक ऑब्जेक्शन आया था कि फाइनेंशियल के रिज़ल्ट और कॉस्ट के रिज़ल्ट अलग होते हैं, तो उनको ये डिसाइड करना होता है कि इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना है या नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल में एक ही सेट ऑफ बुक रखे जाते हैं कॉस्ट के लिए भी और फाइनेंशियल के लिए भी, मतलब दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। और नॉन इंटीग्रल में क्या होता है कि कॉस्ट की बुक्स अलग रखी जाती हैं और फाइनेंशियल की बुक्स अलग रखी जाती हैं, तो इसमें ये डिसाइड करना है कि आपको जो है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे करना है। इसी तरह से एक्सटेंट ऑफ डिटेल, कि डिटेल किस लिमिट तक बतानी है ना, कि जैसे मान लो गुड्स परचेज किया, कहाँ से ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, क्या कोटेशंस आई, तो मतलब एक्सटेंट ऑफ डिटेल कि आपने क्या क्या चीज़ आपने रिकॉर्ड में बतानी है। और इसी तरह से कॉस्ट कंट्रोल का जो फील्ड है, वेरियस फील्ड जहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल किए जाना है वो भी डिसाइड करना है, कि आपको अगर कंट्रोलिंग करनी है तो कौन कौन से एरिया में करनी है। और मैनर ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस, कि आपको किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करनी है फॉर द बेनिफिट कॉस्टिंग सिस्टम, तो इसमें ये देखा जाएगा नेसेसिटी ऑफ प्रॉमनेस, फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी इन कलेक्शन ऑफ कॉस्टिंग डेटा, ये डिटरमाइन की जाएगी आप कितना रेगुलर डेटा कलेक्ट करते हैं और कितना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो ये था कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। आप देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि इंस्टॉल करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। सबसे पहले डिफ़िकल्टी लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, कि जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता कई बार, कि जो सपोज़ जो मेन पर्सन है जो कॉस्ट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करा रहा है वो तो कोऑपरेट करेगा, लेकिन उसका जो स्टाफ है, अदर मेंबर्स हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, वो अगर सपोर्ट नहीं करते तो फिर इसको जो है वो इंस्टॉल करना मुश्किल हो जाता है।
अभी हाँ ये भी बताया हाउ टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, है ना, इसमें आपने बताना है बाय क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब उन पर्सन्स को आपने बताना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इंस्टॉल किया जा रहा है सिस्टम और इसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है। सेकेंड है रेसिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ, कि जो अकाउंटिंग स्टाफ है वो भी इसका विरोध करते हैं कई बार, है ना, उनको ये लगता है कि उनका तो काम बढ़ गया, फाइनेंशियल अकाउंट तो मेंटेन करते ही थे, अब कॉस्ट अकाउंट भी मेंटेन करें, तो इसके लिए भी फिर वही है उनको एक्सप्लेन करो कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, तो उनको ये बताना है कि इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी बल्कि आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, शक्तिशाली बनाएगा, है ना, बाय एश्योरिंग दैट इट विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टाफ, कि स्टाफ के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा, ठीक है। और थर्ड प्रॉब्लम आती है नॉन कोऑपरेशन एट अदर लेवल, मतलब जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसको अपोज करते हैं, वो भी कोऑपरेट नहीं करते, सुपरवाइजरी स्टाफ है या वर्कर्स हैं, है ना, तो इसमें भी वही सेम कि उनको एजुकेट करो, उनको अवेयर करो और इसके बेनिफिट के बारे में बताओ। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ, कि कई बार जो स्टाफ है वो इतना ट्रेंड नहीं होता कि वो पोस्ट सिस्टम के बेनिफिट के बारे में उनको मतलब पता हो, है ना, तो यहाँ पर भी यही है कि उनको ट्रेनिंग दो फिर अगर ट्रेनिंग नहीं है। और एक कमी आती है कि इसकी कॉस्ट हैवी होती है इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो इसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है कि जो अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है, अननेसेसरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसको ना किया जाए, है ना, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसी को ही इंस्टॉल किया जाए, उसी को ही इम्प्लीमेंट किया जाए, अदरवाइज छोड़ दिया जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसका साथ साथ ये भी बता रखा है कि इसको आप किस तरह से दूर कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए गुड अकाउंटिंग सिस्टम, कैसा होना चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम। देखो सबसे पहला सूटेबल फॉर एवरी कंसर्न फॉर एवरी सिचुएशन, है ना, ये ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के लिए सूटेबल हो। और सेकंड टेलर मेड होना चाहिए, जैसे हम टेलर से अपने कपड़े स्टिच कराते हैं तो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़े स्टिच करता है, तो उसी तरह से जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। एंड इट शुड बी सो सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कोई भी देखे तो उसको समझ में आ जाए। इकोनॉमिकल होना चाहिए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं किए जाने चाहिए, अननेसेसरी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जाने चाहिए, है ना, और एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और क्विक, मतलब ऐसा नहीं हो कि इंस्टॉल करने में एक साल लग जाए, बहुत क्विकली काम होना चाहिए, प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, और कोशिश की जानी चाहिए कि स्टाफ का सपोर्ट मिले, है ना, तो उसके लिए कन्विंस किया जाना चाहिए। इसी तरह से कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स भी यूज़ की जानी चाहिए कि ताकि मटेरियल कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल वो किया जा सके। सिमिलरली क्लियरली डिफाइंड कॉस्ट सेंटर्स होने चाहिए, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, कि हम कंपनी में जितने भी जहाँ भी प्रोडक्शन होता है या जहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है उसको डिफरेंट कॉस्ट सेंटर या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में डिवाइड कर लेते हैं, है ना, ताकि उस एरिया का, उस कॉस्ट सेंटर की आप कॉस्ट निकाल सकें। तो वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि आप किस कॉस्ट सेंटर को किस तरह से मेजर करोगे कॉस्ट को। एंड इट शुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन डिटेल टू द एक्सटेंट इट इज़ डिज़ायर्ड, कि जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है और अननेसेसरी डिटेल यहाँ पर नहीं देनी, है ना, डिटेल तो देनी है बट अननेसेसरी नहीं देनी।